आपको ही कह रही हूँ, हैंडसम। हैंडसम? माधवी, मुझे लगता है तुम्हें शायद नंबर आ गया होगा आंखों पे। काम करो, ये मेरा चश्मा पहनो और फिर मुझे बोलो हैंडसम। चश्मे की कोई जरूरत नहीं है, आप हैंडसम ही हो। माधवी, तुम सच बोल रही हो ना? मजाक तो नहीं कर रही हो ना? तुम्हें मेरी कसम। कसम मत दीजिए बाबा, फिर अभी कामों का मुझे सच बोलना पड़ेगा। बोलो बोलो। कई साल पहले आप हैंडसम थे, आज भी है और कल भी रहोगे। सच माधवी? तुम सच बोल रही हो? हाँ बाबा। थैंक यू माधवी, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। हो ना, अब मेरा भी दिल खुश कर दीजिए ना प्लीज। माधवी, तुम कल भी ब्यूटीफुल थी, तुम आज भी ब्यूटीफुल हो और तुम हमेशा ब्यूटीफुल रहोगी। नहीं, ते मला माहिती है। मतलब आप जरा प्लीज दूध लेकर आइए ना। अच्छा। ओहो, तो दूध लाने के लिए ये हैंडसम का मस्का लगाया जा रहा था। अगर मैं आपको सीधे सीधे कहती क्या हो जरा दूध लेकर आइए बर, तो आप नहीं जाते? जाता। तो अभी मस्का लगाने की मुझे क्या जरूरत है? मैं तो ऐसे ही सोचा कि मैं आपकी तारीफ करूं, आपको खुश करूं और अब दूध लाने के लिए कहूं। आपकी तारीफ की तो आपको अच्छा लगेगा, पर लगता है आपको अच्छा नहीं लगा। सॉरी। नहीं माधवी, इनफैक्ट आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा। वैसे माधवी, थैंक यू वेरी मच। अपनी तारीफ सुनना किसे अच्छा नहीं लगता? हैंडसम माधवी, वो भी क्या दिन थे? नहीं, नशीली आंखें, लहराते बाल, अरे हमारे जमाने में। दूधाची पिशवी ही, दूध जरा जल्दी से लेकर आइए। हाँ, लेके आता हूँ। अच्छा माधवी, सुबह दूध आ गया था ना, मैंने खुद लेकर किचन में रखा था। तेज ना, वो दूध फट गया। किसने फाड़ा? कैसे फट गया? वो तो मुझे क्या पता, दूध गर्म करने रखा था और फट गया। तो गड़बड़ है, ऐसे कैसे फट सकता है दूध? एक काम कीजिए, एसीबी प्रद्युम्न को फोन कीजिए। सीआईडी वाले, आपको लग रहा है ना कुछ तो गड़बड़ है, तो वो बता देंगे नक्की क्या गड़बड़ है। तो चाहिए ना जरा दूध लेकर आइए ना जल्दी से। हाँ जाता हूँ। हाँ। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी स्ट्रेचिंग हो गई है तो फटाफट योगासन करके जाऊँ? नहीं अजी बात नहीं, वो दूध की एक बूंद नहीं है घर पे, अगर कोई आया तो चाय कॉफी कैसे पिलाएंगे हम लोग। हाँ वो भी है। अब बनियान पे जाएंगे अभी आप। लौकर। अच्छा कुर्ते में पैसे हैं? अरे पैसे रह गए। करता है। दौड़ के जाएंगे अभी आप। क्यों, सखाराम है ना नीचे। तो सखाराम क्या बिना चाबी के चलेगा आज? चाबी दिले तेवड़ा वेळात तू बोलना तो औरतों से सीखो, ताने पे ताने देते। सावकाश। से क्या हो गया? सखाराम शुरू हो जा भाई, मुझे नाके पे दूध लेने जाना है, अगर लेट हो गया ना तो माधवी चिल्लाएगी। चल शुरू हो जा भाई। सुप्रभात बिल्ली मास्टर। हाँ सुप्रभात चाचा जी। क्या बात है, सुबह सुबह सखाराम से बात कर रहे हैं? हाँ देखिए ना चाचा जी, मुझे नाके पे दूध लेने जाना है, ये शुरू ही नहीं हो रहा है। ये भूखा होगा, भूखा कहते। अरे भाई पेट्रोल है, पेट्रोल इसमें। हाँ हाँ, अरे कल ही 100 रुपए का खाना खिला, पेट्रोल भराया इसमें मैंने। अच्छा फिर भी चालू नहीं हो रहा है। चाबी लगाइए चाबी। अच्छा जी, चाबी लगाने के बाद ही चालू करूंगा ना, ये क्या है। एक काम कर, तेरे सखाराम को योगासन करवा। क्या योगासन? हाँ योगासन। स्कूटर को? अरे भाई कई कई लोग नहीं करते ऐसा कि वो स्कूटर चालू नहीं होता है तो उसको ऐसा टेढ़ा करते हैं फिर सीधा करते हैं और फिर स्कूटर चालू हो जाता है। हाँ चाचा जी, लेकिन वो स्कूटर को साइड करनी होती थी, स्कूटर को साइड करे ना तो ये बहुत वजनदार है, इसको ऐसे योगासन नहीं करवा सकते। अरे क्या नहीं करवा सकते, भिंडी मास्टर ये पकड़, मैं अभी तुझे दिखाता हूँ। देख चाचा जी आप क्या कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं, इसको देखते जा। चाचा जी हड़ो। अरे हाँ लेकिन आपको कमर रह जाएगी चाचा जी। मेरी कमर को कुछ नहीं हुआ, ये देख। अरे अरे हड़ो, चल अभी चालू कर। हाँ? कर कर कर। ये पकड़िए। कर। वाह।
क्या बात है चाचा जी, ये तो चालू हो गया। हाँ, फिर वाह वाह वाह। वो कहते हैं ना भिंडी मास्टर कि अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। हाँ, वैसे ही अगर सकरम जब स्टार्ट ना हो तो उसको टेढ़ा करना पड़ता है। हाँ, बराबर। चलिए चाचा जी, थैंक यू वेरी मच। भिंडी मास्टर, मैं क्या कहता हूँ, बहुत दिन हो गए मैंने स्कूटर चलाया नहीं, तो आज स्कूटर चलाने का मन हो रहा है, तो मैं चलाऊं तेरा स्कूटर। आप स्कूटर चलाना चाहते? हाँ, नहीं मतलब थोड़ी दूर तक ही है, अब्दुल की दुकान तक ही चलाऊंगा। वो समझ गया चाचा जी, लेकिन आपने पहले कभी चलाई है स्कूटर? हाँ, मैं जब गांव में था तभी चलाता था, लेकिन बहुत टाइम हो गया, इसलिए तो आज मन हो रहा है, तो चलाऊं मैं। नहीं मतलब मैं चलाऊं तो तुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं नहीं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ नहीं है ना, हाँ तो फिर बता ना ये कैसे चलाते हैं। हाँ वैसे ये बहुत आसान है चलाना, क्योंकि इसमें गियर नहीं है ना चाचा जी। अच्छा, इसमें सिर्फ तोरण होता है। तोरण? तोरण तो दिवाली में घर के बाहर लगाते हैं। अरे तोरण नहीं चाचा जी, तोरण तोरण ये एक्सेलरेशन, मतलब स्कूटर का कान। आप इसको जितना मरोड़ो उतनी स्कूटर आगे भागेगी ऐसे। अच्छा, ये देखो। हाँ ठीक है, चलो गया। एक मिनट ये पकड़। हाँ, मैं बैठता हूँ इसमें। हाँ, मैं बैठू? हाँ तू इधर बैठ। अच्छा ओके, ये इसको ये घुमाने का ना। अरे मुझे बैठने दीजिए। अरे क्या कर रहे चाचा जी? अरे ब्रेक मारिए चाचा जी। अरे वो आ गया ब्रेक। अरे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। अरे सकरम को छोड़ने को नहीं बोला आपको। अरे रुक जा सकरम, रुक जा। अरे इसमें ब्रेक किधर है? ब्रेक? चाचा जी इसमें नीचे ब्रेक नहीं होता है, ये क्या, ये दोनों ब्रेक ही है। अरे तो वो नहीं बता सकते था? चाचा जी मैं बताऊं, इससे पहले आप निकल चुके थे। ओ भाई भिड़े, अभी तेरे स्कूटर के चक्कर में मेरा छाता शहीद हो जाता। ये तो इसके करम अच्छे हैं कि बच गया। सॉरी 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 डिपे सॉरी। नहीं नहीं चाचा जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, गलती विद्यार्थी को सिखाने वाले शिक्षक की है। पता इसमें मेरी क्या गलती है? अरे भाई तुझे चाचा जी को स्कूटर सिखाना है तो बाहर रोड पर, मैं तो कहता हूँ रोड पे भी नहीं, खुले मैदान में, खाली मैदान में सिखाना चाहिए। या सोसाइटी में कोई सिखाता, यहाँ पर लोग आते जाते हैं, अभी लग जाता तो। पोपटलाल मैं चाचा जी को स्कूटर नहीं सिखा रहा था भाई, उनको चलाने का मन हुआ इसलिए मैंने दे दिया। हाँ इसमें भिंडी मास्टर की कोई गलती नहीं है। चलो मैं चलता हूँ, मुझे गार्डन जाना है, लेट हो रहा है। चाचा जी मैं आपको छोड़ देता हूँ, आइए। तुम्हें नहीं छोड़ना है? नहीं। तो फिर नीचे क्यों आए थे तुम? मैं अखबार पढ़ना है इसलिए आया हूँ, छोड़ेगा पेपर स्टैंड तक। अरे भाई मजाक कर रहा हूँ। संभाल कर जाइएगा, संभाल कर, धीरे। रुक जा रुक जा। आराम से चलो। हाँ चल आराम से। धीरे 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 जा। देश में तलाक कम हो इसलिए सरकार कदम उठाएगी। अरे तलाक कम हो इसलिए नहीं, शादियां हो इसलिए कदम उठाने चाहिए। हेलो जी जी, पत्रकार पोपटलाल बोल रहा हूँ। कौन? वर्मा जी। अच्छा 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 अच्छा, शुभ मंगल मैरिज ब्यूरो वाले। हाँ बोलिए बोलिए वर्मा जी। अच्छा तो कब है मीटिंग? 9 बजे? नहीं नहीं आप चिंता मत कीजिए, मैं तैयार होकर 8:30 तक ही पहुंच जाऊंगा। हाँ 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 जी जी जी, ओके थैंक यू। कहाँ रह गए ये? साथ दूध लाने में इतना टाइम थोड़ी लगता है, सकरम को लेकर गए फिर भी इतनी देर।
देव जाने कुठे राहिले बाई। अरे चल 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 बाबा सकरम चल, सी बहुत लेट हो गया है, मेरे योगासन भी बाकी है अभी। तुम्हें क्या हो गया है भाई? हाँ पहले शुरू नहीं हो रहे थे, अभी बीच में ही बंद पड़ गए। ऐसा नहीं करते भाई, समझा करो। अरे भिड़े पोपटलाल, अभी नहीं अभी बहुत थक गया हूँ भाई। माधवी घर पे दूध के लिए वेट कर रही है, मेरे भी योगासन बाकी है, मैं जरा जल्दी में हूँ, बाद में बात करते हैं। अरे भाई जल्दी में तो मैं भी हूँ, लेकिन खुशखबरी है सुनकर जा। अरे वाह क्या? वो अभी फोन आया था मुझे मैरिज ब्यूरो से, 9 बजे लड़की वालों के साथ मीटिंग है। ओहो कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। वैसे पोपटलाल डबल सेंचुरी हो गई? डबल सेंचुरी मतलब? नहीं मतलब आज तक तुम रिश्ते के लिए कम से कम 200 लड़कियों से तो मिले होंगे ना? नहीं नहीं वैसे देखा जाए तो ट्रिपल सेंचुरी। तू मुझे ताना मार रहा है? नहीं नहीं मैं तो जेन्युइनली पूछ रहा था भाई। एनीवे ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और उन्हीं का फोन है बेटा। अच्छा हेलो। हाँ वर्मा जी बोलिए। नहीं नहीं बस मैं निकल ही गया हूँ। क्या मीटिंग कैंसिल? क्यों रिश्ता कहीं और तय हो गया? अरे ऐसे कैसे कहीं और तय हो गया भाई, मेरे साथ तो मीटिंग ही नहीं हुई। नहीं नहीं भाई आप वहां कैंसिल कर दीजिए रिश्ता। हेलो हेलो सुनिए हेलो। काट दिया। ये हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? पोपटलाल हिम्मत रखो भाई हिम्मत रखो। अरे कितनी हिम्मत रखूं? बेड़ा आज तक जितनी हिम्मत मैंने रखी है ना और किसी ने नहीं रखी होगी। सच में पोपटलाल तुम बहुत हिम्मत वाले हो, मानना पड़ेगा। अरे इतनी बार रिश्ता टूटने के बाद तुम्हारी जगह कोई दूसरा होता ना तो वो खुद टूट जाता। अरे उसे शादी के नाम से नफरत हो जाती नफरत। लेकिन तुम मानना पड़ेगा तुम्हें, दुखी मत होना पोपटलाल। दुखी कैसे ना हो, जब जब रिश्ता टूटता है जान जलती है। दिल से पूछो मेरे इस दिल पर क्या गुजरती है। वाह पोपटलाल दुख तुम्हें नहीं दुख हमें भी होता है, लेकिन भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है ना। मैं तो बोलता हूँ जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। अरे मेरा रिश्ता नहीं हो रहा उसमें क्या अच्छा हो रहा है भिड़े? नहीं नहीं मेरा मतलब है कि तुम्हारे भाग्य में और बेहतर रिश्ता लिखा होगा, तुम्हारी किस्मत ने तुम्हारी ड्रीम गर्ल कहीं और ढूंढ कर रखी होगी। हाँ ये बात तो है माँ, इसीलिए शायद आज तक मेरा रिश्ता नहीं हुआ, क्योंकि मेरी किस्मत मेरी ड्रीम गर्ल से ही मेरा रिश्ता करवाना चाहती है। और ड्रीम गर्ल को आने में टाइम तो लगता ही है ना। हाँ इसे कहते हैं सकारात्मक सोच। चलो इसी सोच पे गर्मा गर्म मसाले वाली चाय हो जाए। नहीं 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 भिड़े अभी घर में दूध नहीं है। अरे मैं लाया हूँ ना दूध। ओ सच में भिड़े अभी चाय बनाने का मूड नहीं है एक्चुअली। चाय पीने का तो मूड है ना माधवी के हाथ की। हाँ अरे माधवी भाभी के हाथ की चाय पी के तो एकदम फ्रेश हो जाऊंगा। तो चलो अभी जल्दी चलो, वैसे भी बहुत लेट हो गया है। माधवी चिल्लाने वाली है मुझे कि दूध लेने गए थे कि मुंबई दर्शन करने गए थे। मजा आएगा। हाँ माधवी। या दूध लेने गए थे या मुंबई दर्शन करने गए थे? वाह क्या बात है। अरे पोपट पहुंचे आप हैं, आइए आइए। वाह 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 भिड़े पत्नी के स्वभाव को बहुत अच्छी तरह समझते हो भाई तुम। अभी नीचे इसने कहा था कि ऊपर जाते ही माधवी गएगी कि दूध लेने गए थे कि मुंबई दर्शन के लिए, पर आपने बिल्कुल यही कहा। कहे तो पर बढ़त नहीं ना। बैठिए ना बैठिए पोपट भाऊजी। हाँ माधवी भाभी आज मैं बैठने नहीं आया हूँ, आपके हाथ की गर्मा गर्म मसालेदार चाय पीने आया हूँ। तो पोपट भाऊजी चाय पीने के लिए बैठेंगे ही ना आप? वैसे आपको देर क्यों हो गई इतनी? अरे वो सखाराम की वजह से, पहले तो शुरू नहीं हो रहा था, बाद में बीच रास्ते बंद पड़ गया, धक्का मारते मारते लेके आया मैं उसे। अरे बापरे। आप लोग बैठिए मैं चाय लेकर आती हूँ। एक कप ही लेके आना। क्यों तुमने पियोगे? नहीं मैं योगासन करने के बाद पियूंगा। भिड़े तू रोज योगासन करता है? हाँ और आज तो मैं शीर्षासन करने वाला हूँ। वाह बालों के लिए ना। वाह 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 बालों के लिए शीर्षासन बहुत अच्छा होता है। क्या होता है ना हमारे शरीर का जो खून होता है ना वो दिमाग से होते हुए बालों की जड़ों में जाता है और जड़ों को मजबूत कर देता है। वो ना पोपट भाऊ जी इन्होंने थोड़ा लेट ही शुरू किया शीर्षासन करना। आंटे ना। हेलो गुड मॉर्निंग। मेरा एड्रेस माफ करना भाई साहब मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कौन? विश्वनाथ चट्टोपाध्याय। अच्छा 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 तो राहुल, लेकिन यहाँ कोई राहुल नहीं रहता। आपकी भतीजी के रिश्ते के लिए आप यहाँ आना चाहते? अरे नहीं 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 देखिए आपको कोई गलत फहमी हुई है, ये रॉन्ग नंबर है। मेरा नाम आत्माराम तुकाराम भिड़े और मैं गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ।
मेरी शादी बहुत पहले हो चुकी है और यहाँ पे कोई कुंवारा नहीं रहता। अरे कैसे नहीं रहता? हेलो विश्वनाथ अंकल, कैसे हैं आप? नहीं नहीं, आपने बिल्कुल सही जगह फोन किया है। नहीं नहीं, राहुल नहीं, पत्रकार पोपटलाल बात कर रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार, गोल्डन क्रो अवार्ड विनर। क्या गोरेगांव में गोकुलधाम सोसाइटी है ना, वही रहता हूँ। टॉप फ्लोर पे 2 BHK फ्लैट है मेरा खुद का। टॉप फ्लोर? अरे 2 माले की तो बिल्डिंग है, क्या फेंक रहे हो तुम पोपटलाल? आपको अपनी भतीजी की शादी करनी है ना, तो आपको पूरी कायनात में मुझ जैसा होनहार दुल्हा नहीं मिलेगा। तो कब आ रहे भतीजी को लेकर मुझे देखने? पोपटलाल ये रॉन्ग नंबर है, तुम क्या अपना नंबर लगा रहे हो भाई? हेलो हेलो हेलो, देखिए देखिए देखिए, गुस्सा मत कीजिए। अरे आप एक बार मुझसे मिल लीजिए, राहुल को भूल जाएंगे। हेलो 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 हेलो, काट दिया तो काट ही देंगे ना पोपटलाल। तुम रॉन्ग नंबर पे अपने रिश्ते की बात कैसे कर सकते हो भाई? अरे भाई मरता क्या ना करता, मैं कोशिश तो करूंगा ही ना। पोपट भौजी, ये क्या मस्त पेकी गर्मा गर्म चाय, ये का है? वाकड़ा दाजी लटा है? नहीं नहीं नहीं, बैठो भाई बैठो। हाँ हो, वो बांदोड़कर कॉलेज के प्रोफेसर अनिल भाऊ आठवले है ना, उनके यहाँ अचार पापड़ की डिलीवरी करनी है। प्रोफेसर अनिल भाऊ? ओ राजू भाई के पहचान वाले अनिल भाऊ। हाँ आठवले आठवले, प्रोफेसर अनिल भाऊ आठवले। हाँ मैं थोड़ी देर बाद बैंक जाऊंगा ना चेक डालने के लिए, तब दे दूंगा। हाँ हाँ सर। भाई वाह वाह वाह, माधवी भाभी फर्स्ट क्लास चाय थी, मजा आ गया, थैंक यू। चलो भाई भिड़े, मैं चलता हूँ। चलो ओके। और हाँ, गलती से अगर रिश्ते के लिए कोई और रॉन्ग नंबर आ जाए ना, तो तुम उसे मेरा नंबर दे देना। मानूस है का रॉन्ग नंबर? अरे कुछ नहीं माधवी, थोड़ी देर पहले मेरे मोबाइल पे रॉन्ग नंबर आया था रिश्ते के लिए। मैंने बोला भाई मेरी शादी हो चुकी है, यहाँ पे कोई कुंवारा नहीं है, तो इसने मेरे हाथ से फोन छीना और अपनी शादी की बात करने लगा। पोपट भौजी, मुझे पोपट भौजी है, इनकी शादी जल्दी हो जाए ना तो अच्छा है भाई। करो सुन जाओ लवकर। अच्छा माधवी मैं जरा चेंज करता हूँ, मुझे योगासन करने। हाँ मैं पूछने आई थी कि आपको नाश्ते में कांदा पोहे चलेंगे। ये पूछने आई थी तुम? हाँ। मैं कांदे पोहे खाता हूँ ना, मुझे अच्छे लगते हैं ना। ओ खूबस, तो इसमें पूछना क्या है? हाँ बरो, सॉरी सॉरी चुकला। अब मैं करूँ? हो हो करा करा। हाँ अभी डिस्टर्ब मत करना। नहीं नहीं। माधवी क्या कर रही हो तुम? सॉरी सॉरी। तुम मुश्किल से शीर्षासन करने की कोशिश कर रहा हो कब से, क्या कर रही थी? वो काय चलो, वो प्लेट यही भूल गई थी ना, तो वो लेने आई थी लेकिन लेते वक्त हाथ से सटक गई जरा। अब तो माजी सटकेल। सॉरी सॉरी। अब जाओ पोहे बनाओ और आराम से बनाना। ओ, ओ, एकदम। अरे जा। हाँ आप अभी कह रहे हैं ना कि आराम से। अरे आराम से पोहे बनाने को बोला, जा बरबर। बरबर। मित्रों शीर्षासन और उल्टा चश्मा दोनों में एक चीज बड़ी कॉमन है कि दोनों फायदेमंद है। शीर्षासन सेहत के लिए फायदेमंद है और उल्टे चश्मे से अगर हम दुनिया को देखें तो हमारा नजरिया बदल जाता है और जो गलत चीज होती है वो हमें सही लगने लगती है और जब गलत चीज हमें सही लगने लगती है तो दुनिया को देखने का मजा ही अलग होता है। लेकिन इस वक्त ये शीर्षासन भिड़े के लिए मजा नहीं सजा पैदा कर रहा है, भिड़े बार बार गिर रहे हैं और अभी तो ये शीर्षासन बड़े कमाल दिखाने वाला है भिड़े और जेठालाल के लिए क्योंकि अभी इन्हें वक्त बड़े शीर्षासन कराने वाला है। गोकुलधाम सोसाइटी में जब हालात से सीधे रहते हैं तब भी बड़े हंगामे होते हैं और जब सोचिए वक्त खुद हालात उल्टे कर देगा तो कितने हंगामे होंगे, ऐसे हंगामे होंगे कि आपके घरों में हंसी का चांद खिलेगा। चांद से याद आया एक विशेष बात, मित्रों आज शरद पूर्णिमा है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से शरद पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आप जरूर दूध पोहे का मजा ले रहे होंगे, लीजिए लीजिए जरूर लीजिए और हंसी और ठहाकों का मजा लेने के लिए सोमवार ठीक 8:30 बजे तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते रहिए हंसते। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।